कर शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये थी हमारी बहुत बढ़िया राइड। मैंने भाभी का डर निकलवा दिया। पता है भाभी क्या कह रही है? क्या कह रही है? मैं भाभी का, भाभी ऐसे सांस बंद करके ना बेटा ऐसे बॉडी छोड़ दो, कुछ तो नहीं छोड़ी जाएगी। मैं एक ही बार छोड़ूंगी। चल मैंने बॉडी छोड़ दी तो भैया के मजे आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 o'clock। सोचा तो ये था कि 10:30 तक निकल लेंगे, लेकिन नहीं, लेट तो होता ही है जब घर में काम होते हैं। चलिए गाइज, आज का प्लान बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही हैपनिंग होने वाला है, बहुत ही मस्ती होने वाली है, धमाल होने वाला है, क्योंकि बच्चे बड़े सब मिल के इंजॉय करने वाले हैं आज वाटर पार्क। तो आज हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। अभी हम लोगों ने सोचा है कि गाजियाबाद का जो ड्रिजलिंग पार्क नहीं है वो वाला हम पार्क जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम लोग वाओ तो जा चुके हैं, वर्ल्ड्स ऑफ वंडर, लेकिन हम कभी उसमें नहीं गए। तो हम सोच रहे हैं कि एक बार उसका भी एक्सपीरियंस ले लेते हैं कि हमें मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ का ज़्यादा बेटर है या वाओ ज़्यादा बेटर है। वैसे बेटर कोई सा भी हो, लेकिन बच्चे तो देखो पानी देख के इंजॉय कर लेते हैं, तो बच्चों को ना पानी में बड़ा मज़ा आता है। और आपने देखा ही था जब मैं मुरादाबाद गई थी तो छोटे से स्विमिंग पूल में भी इन बच्चों ने कितना मज़ा किया था। तो आज तो उन्हें हर जगह पानी पानी मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम सब लोग एक साथ मिल के जा रहे हैं। अकेले अकेले अलग अलग जाओ उसमें इतना मज़ा नहीं आता जब ग्रुप में जाते हो। तो चाहे वो फ्रेंड का ग्रुप हो चाहे फैमिली का ग्रुप हो, मज़ा तो तभी आता है। तो चलिए निकल लेते हैं, फिर पिक करना है मुझे, क्योंकि रात में ये लोग वहीं पे सोए थे, सोनी दीदी वगैरह, तो उनको वहाँ से पिक करके देन हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। तो आज मैं ना कशिश को भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि कशिश को भी वाटर पार्क जाना बहुत पसंद है। देखो जब आएगी तब उसके साथ जाएंगे। फिलहाल हम लोग ना सबसे पहले मफिन को छोड़ेंगे, क्योंकि मफिन को छोड़ने वाले हैं डॉग रिजॉर्ट, और घर पर तो अकेला रहेगा नहीं ना इतनी देर के लिए। वहाँ पे ये खुश रहता है, ऐसी बात नहीं, इसके सारे दोस्त मिल जाते हैं। अभी तो वो लोग वैसे भी एसी चला के रूम में रखते हैं दोपहर में, और इवनिंग में वो क्या करते हैं, बच्चों को अपने वाले गार्डन में छोड़ देते हैं। तो गार्डन में ये बहुत सारे डॉगी इसके साथ खेलता रहता है, इंजॉय करते हैं। ये देखो एक और मिल गया इसको अपना साथी, मफिन। ये कौन है, तुम्हारा नाम क्या है? मफिन देखो कौन आ रहा है। करने वाले हैं कि सेल्टोस में कितने लोग आ जाते हैं। पीछे पांच आ, सेल्टोस में कितने आ जाएंगे? आ जाए पांच, आ गए आगे दो। आप आगे आ जाओ ना मेरी, एडल्ट तो पांच ही हैं, बाकी बच्चे लीडर पे दे रहे हैं। हम सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वाटर पार्क। क्या ड्रिजलिंग लैंड? नहीं, हम लोग जा रहे हैं वाटर पार्क। और ये देखिए कितनी सुंदर जुड़ी बनाई है, किसने बनाई बेबी, किसने बनाई? छक्को आता है, सुधांश भैया भी बनाते हैं, भैया प्रो एक्ट्रेस। प्राउड से बैठ सकता हूँ, मैं बस टिकट
लिस्ट आ रही है पैरे पे। हाँ हाँ बेटा, मास्क उतार लो, मास्क उतार लो, भेलपूरी पानीपूरी वाला, भेलपूरी वाला पानीपूरी वाला। बहुत तेज धूप है, हमें नहीं पता हम कितनी देर यहाँ पर रुक पाएंगे। ये जो चेहरा है, थोड़ी देर बाद देखना क्या होने वाला। अगली वीडियो में हम काले दिखाई देंगे आपको। हम लोग आ गए ड्रिजलिंग लैंड के अंदर और यहाँ पे खूब ढेर सारी भीड़ है, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और एक बच्चा जो है तैयार हो रहा है, उसके सनस्क्रीन लगा रही है मामी और मम्मी और लाल लाल पहले ही हो गया है। पानी में चलना नहीं है तुमको, अभी आप चलोगे मम्मी के साथ। अभी सामान पहले रख दें, अभी लॉकर में सारा सामान रखना है हम लोगों को, उसके बाद हम लोग भी इंजॉय करेंगे। बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया वैसे। ये थी हमारी बहुत बढ़िया राइड, मैंने भाभी का डर निकलवा दिया। हमने दो बार मजे लेके आ रहे हैं। ये आ रहे मिस्टर रुद्राक्ष। Oh, my God.
ऊपर से गिरेगा तो यहाँ पे जो है क्या चल रहा है पूजा सही बात है बहुत मजा आ रहा है ना गर्मी और धूप लग रही थी लेकिन जब भी हम पानी में एंटर करें सब चला गया तो आप यहाँ को कितने स्टार देना चाहेंगी हाँ थोड़ा छोटा है लेकिन मतलब आप खाली बच्चों के हिसाब से बहुत बढ़िया है कितने स्टार दोगे भाई चलो भाई आ जाओ डूब गई पता भाभी की कह रही है क्या कह रही है मैं भाभी ऐसे सांस बंद करके ना मैं क्या ऐसे बॉडी छोड़ दो पानी में तो थोड़ा सा फ्लोट होएंगे तो आज कोशिश करी हुआ नहीं मैंने कहा चलो एक काम करते हैं ऐसे उल्टा होके फ्लोट कर लेते हैं मुझसे नहीं छोड़ी जाएगी मैं एक ही बार छोड़ूंगी चल मैंने बॉडी छोड़ दी तो पूजा के मजे आ जाएंगे देखो अभी छोड़ देंगे कोशिश कर रही है मुझे कोशिश कर रही है बॉडी छोड़ो बॉडी छोड़ो मैं नहीं जाऊंगी चाहे कोई तांत्रिक भी बुला लो मुझे यही रहना आत्मा एक्सचेंज कर लेते हैं मेरी आत्मा घुस जाएगी वन बड़े बोल बोल से करी ऐसे लाल कर रहे हो अभी इतनी देर उसमें नहाए हो पानी में और उसके बाद जीभ लाल कर रहे हो अपनी तो मौसी मेरे साथ है मौसी तेरे साथ है तब मौसी ही संभालेगी जब बीमार पड़ोगे हम लोगों की पूल पार्टी खत्म हो गई और आप लोगों ने सबने बहुत गाइस हमने पॉपकॉर्न भी खाया अच्छा मैंने तो वो चुस्की भी और इनमें से कोई भी निकलने को तैयार नहीं था इंक्लूडिंग नहीं मैं भी नहीं बाहर आना चाह रही थी लेकिन बहुत देर हो गई थी बहुत देर भूख भी बहुत तेज लग रही है और नींद भी बहुत तेज आ रही है क्लोरीन भी मुंह में कुक गया है क्लोरीन खा कर के पी लिया भाई मेरे होंठ कितने लाल हो गए हाँ इसने अभी लिपस्टिक लगाई मम्मी से मांग के मैंने चुस्की खाई निष्का तुम्हें अच्छा लगा निष्का स्माइल करती रहती बच्चा पार्टी पूछ जाओ आ गया चलो छट्टी छट्टी भूख का इंसान अभी तक लाल बड़ी भूख लग रही है पूरी टिक्की सारी वो चाट वाट बहुत अच्छी मिलती है हाँ। तो वो भी मंगा लीजिए स्टार्टिंग में फिर खाना मंगा ले ये लीजिए गोलगप्पे ये वाला कौन सा है यार ये सूजी का है बेटू और वो आटे का है वाला मुझे एक में मीठा पानी है एक में खट्टा पानी है खट्टा ये वाला है मीठा वो वाला है क्या खा रही हो निष्का ओ मौसी की गोदी में लेटी हुई हो मौसी तो बहुत ज्यादा थक गई है मैं बहुत थक गई
ये भी थक गए हैं, इनफैक्ट सभी थक गए हैं बच्चे। ये लग रहे हैं ना? हाँ, मौसी को भी खिला दो। आलू प्याज का पराठा मंगाया है और तुम लोगों ने मंगाई है क्या, नान और दाल मखनी? मैंने पनीर का। सोनी ने सोनी दीदी अभी जा गई है। एक्चुअली जब वो बच्चे होते हैं ना, जब माए खाना खाने बैठती हैं तभी उन्हें वॉशरूम जाना होता है, तो बस वही हाल है। इसके तो पराठे अच्छे होते हैं गरम गरम। कैसा है तुम्हारे वाला, तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है ना? करो कैसा लग रहा है? आज तुम सब बच्चों ने बहुत मजा किया है ना, आज पढ़ के नींद होश में रहने वाला, कहाँ सो रहे हैं लोग। कहाँ पे जा रही है सवारी? बॉम्बे। अच्छा, बच्चों को लेकर के? आज का दिन बहुत अच्छा था, तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मीठी मीठी आइसक्रीम के साथ आप भी मीठे मीठे लाइक देना और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देना। मिलते हैं और अच्छे वीडियो के साथ। बाय बाय बाय। क्यों मफिन, तुमने बर्थडे पार्टी एंजॉय करी? किस कौन कौन दोस्त बनाए दिखाओ जरा, इनका बर्थडे था। ओह हेलो, हैप्पी बर्थडे। इसके पेरेंट्स आए। माफी माफी, आज तो बर्थडे पार्टी एंजॉय कर ली। अरे रिटर्न, जल्दी से ले जाओ मफिन के पास में। रिटर्न क्या? जल्दी 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 बोलो। थैंक यू। आज तो मफिन का रिटर्न गिफ्ट है, दे दो मम्मा को। दे दो, दे दो मम्मा को। तू दे दियो। इसका क्या नाम है? इसका मैंगो। मैंगो नाम? मैंगो। मैंगो तो ये हमारे घर के पास से ही आती है, गुड़गांव से आया है। अच्छा, आज तक टाइगर का भी हो गया। बुआ को थैंक यू बोलो। एल्सा, एल्सा इज लाइक, मेरा रिबन नीचे गिर रहा है। तुम भी बहुत प्यारी हो। आज मफिन बहुत अच्छे मौके पे आया क्योंकि उसको इतनी अच्छी बर्थडे पार्टी भी मिल गई है ना मफिन, आप तो आज बहुत खुश लग रहे हो मेरे को। उन्होंने आज बर्थडे पार्टी तो अटेंड करी, साथ में रिटर्न गिफ्ट भी लिया। रिटर्न गिफ्ट दिया उन्होंने, बहुत प्यारे। अगले महीने मेरे बच्चे का बर्थडे है, 2nd of July। बहुत प्यार करते हैं सच में सब लोग पेट को ना। मैं यहाँ पे देख रही थी कितने प्यारे प्यारे पेट है, बहुत सुंदर सुंदर है यहाँ पे। एक तो मैंगो था, गोल्डन रिट्रीवर ही था, और आज जिसका जन्मदिन था उसका था जर्मन शेफर्ड, उसका नाम था पोलो।